भाई क्या हाल चाल सबका, बढ़िया हो गए। कुछ एक ही उम्मीद है कि जितना चाहूँ उतना अच्छा पशुपालन करें, और उसे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा पशुपालन करके मेरे चैनल पर मैं वीडियो लाने की सोचता हूँ। तो ऐसा ही आज झाजगढ़ गांव में पहुँच गया भाई, और जितनी उम्मीद नहीं होती उससे अच्छा पशुधन रखते हैं हम पशुपालक। कहने की सो बात है कि लेकिन हर घर में मुर्रा हो रही है, और अच्छा अच्छा प्रयास करके उसको बेटर करने के लिए अच्छे ही सीमन का प्रयोग कर रहे हैं। तो झाजगढ़ गाँव है, लगभग झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और लगभग मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। तो काफी शानदार पशुपालक हैं दोनों भाई, लकड़ी का काम है, लेकिन जो पशुपालन कर रहे हैं, अगर इन्हें एक ब्रीडर और पशुपालक कहूं तो कमी नहीं होगी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चोटियां रखते हैं, बहुत शानदार। ईरा जो लक्ष्मी, एक लक्ष्मी भैंस थी अपने 2013-14 में सेल हुई थी, पहली ऐसी भैंस थी जिसने 25 लाख रुपए की अपनी कीमत रखी थी, यानी कि 25 लाख रुपए की सेल हुई थी, पूरे इंडिया की पहली ऐसी भैंस थी। उसका जो बेटा है हीरा, हीरापुल नाम है, और सिंगवा गांव से बिलोंग करता है। तो उसकी ये जोटी है, एक M29 की है और एक जो सिंगवा खास वाले की उसकी है। तो दोनों बहुत शानदार रिजल्ट आने हैं, M29 की भी सिंगवा खास की भी, उसकी वीडियो कवर करूंगा और भाइयों के साथ बनूंगा। बहुत अच्छा पशुपालन कर रहे हैं, पूछेंगे कैसे स्टार्ट किया, कैसे साइड बिजनेस किया। पीछे आप देख सकते हैं लकड़ी का काम है, अच्छा खासा काम है, अच्छी बड़ी दुकान है, नामी गिरामी दुकान है, लेकिन ये भी जोटियां भी ऐसी रखते हैं, पूरे एरिया में इनका नाम है। चलिए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं भाई, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। ये दोस्तों मिलवाता हूँ आपको दोनों भाइयों से, बहुत अच्छा पशुपालन कर रहे हैं, और इनका जो व्यवसाय है लकड़ी का वो आप पीछे देख सकते हैं, काफी अच्छी बड़ी दुकान है और नामी ग्रामी दुकान है, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन जोटियां भी बहुत शानदार रखते हैं भाई, अच्छी व्यवस्था कर रखी है। नीचे सबसे पहले मिलते हैं भाई साहब से। तो भाई साहब दोनों भाइयों को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार, और क्या हाल चाल है दोनों का? बढ़िया है जी। एक बार सबसे पहले एड्रेस आप बताएं भाई साहब। भाई नाम बारू जी, गांव जाजगढ़ जी, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, तहसील बेरी जी। एक बार अपना मोबाइल नंबर और दे दो। 94-85-94-17-18 जी। तो अब भाई साहब का भी हम जानकारी लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। भाई जी एक बार अपना पूरा नाम, एड्रेस और नंबर दें। मेरा नाम हरीश चंद्र जी, गाँव जाजगढ़, तहसील बेरी, जिला झज्जर। जिला झज्जर। मोबाइल नंबर और दे भाई। मोबाइल 99-92 जी, 66-12-42 जी। तो ये भाई साहब का मोबाइल नंबर है, और जोटी भाई साहब बहुत अच्छी है, इनके दो दांत है शायद। हाँ जी, दो दांत जोटी है, डिलीवरी दे दी है, M29 की बेटी है। तो एक बार पूछते हैं और अच्छी तरह डिटेल लेंगे भाई, कद अच्छा है, और जो नीचे का जो ये अडर क्वालिटी होती है अपनी मुर्रा की, बिल्कुल गैप में थन है, अच्छे थन है, बिल्कुल आप देख सकते हैं वीडियो में अलग अलग दिख रहे हैं, तो गैप काफी अच्छा है, अडर भी काफी अच्छा, बहुत शानदार, सींग की भी बहुत जबरदस्त है। तो भाई साहब एक बार आपसे मुंह से सुनना चाहूंगा, इसकी फादर लाइन के बारे में बताएं थोड़ा। भाई फादर लाइन का सुना है कि दूध अच्छा था उसके नीचे। जी जी, M29। हाँ जी जी, आगे 29 लीटर दूध बताया। अच्छा अच्छा, इसलिए हमने ये बीज रखवाया था। जी जी। और इसका 6 दिन की ब्याई है। अच्छा अच्छा। और 8 लीटर दूध है इसके नीचे। अब 6 दिन की ब्याई है और 8 लीटर दूध इसके बिल्कुल तैयार है। हाँ जी। तो काफी शानदार। इसकी माँ का क्या कुछ रिकॉर्ड रहा भाई? माँ का 22 लीटर दूध का रिकॉर्ड था। 22 लीटर दूध का रिकॉर्ड था। हाँ जी। तो काफी शानदार। ये भी एक बार खुला के दिखाएं सर, इधर ले आइए एक बार इसको खोल के। नीचे क्या, मेल या फीमेल? कटड़ा है, मेल काफ है नीचे, और 6 दिन की ब्याई है और 8 किलो दूध अभी फिलहाल तैयार है, तो अभी तो मैले भी नहीं चली है, यानी कि 50% जो दूध बनाना है वो अभी रहता है। ये देखिए काफी शानदार अडर क्वालिटी, देखो भाई कितनी अच्छी लग रही है चलते हुए, बहुत शानदार। और बिल्कुल आम पशुपालक की वीडियो लेकर आ रहा हूँ ताकि एक जागरूकता बढ़े, आम पशुपालक कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहता पशुपालन में, ये ना सोचे कि बड़ा काम है, ऐसा काम है, बिल्कुल नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, बस थोड़ी ही इच्छा ये रखनी पड़ेगी, मन में ऐसा होना चाहिए कि हाँ हम भी पशु रख सकते हैं और एक अच्छी ब्रीडिंग पर काम कर सकते हैं। तो सर का आप व्यवस्था देख सकते हैं, ऊपर फैन लगा हुआ है, बिल्कुल कोई मतलब बढ़ा चढ़ा के बताने वाली बात नहीं है, लेकिन चोटी बहुत शानदार है, ये देखो भाई गैप भी बहुत अच्छा है। एक बार वो भी ले आओ सर, हीरा वाली, ये देखिए काफी शानदार। तो भाइयों इसीलिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। हाँ ले आओ एक बार, इसको ही ले आओ। तो ये जो अपना हीरा लक्ष्मी है भाई, एक वीडियो और डाली थी इनके भाई साहब की, जो रमेश भाई इनकी वीडियो डाली थी, और ये जो हीरा लक्ष्मी की बेटी है भाई, बहुत शानदार। तो ये इसकी कटड़ी है, ये देखो दोनों की दोनों माँ बेटी, काफी अच्छी। तो भाई साहब इसकी क्या कुछ डिटेल है बताएं एक बार। इसकी 16.5 लीटर दूध था। 16.5 लीटर पहले दो दांत ब्यागी थी। दो दांत ब्यागी थी। हाँ जी।
एक किलो से ऊपर घी था इसका। एक किलो से ऊपर घी था तो घी लाइन की भी अच्छी थी। कई भाई पूछ रहे थे घी लाइन की बुफेलो चाहिए तो ये ले लो भाई, बहुत शानदार है। अरे बेकी भी नहीं है। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग पे घी जी खूब बढ़िया था जी जी। मधुआंगे ना तो मेरे पास दो थे, काम करने वाला भी ना है जी जी, और पत्नी के गोड्डे में दर्द जी जी। अच्छा फिलहाल ये बिक्री के लिए जी जी। तो आप कितने दिन रहते इसके बहने के बताए? छोड़ दो छोड़ दो, साढ़े पांच महीने इसके बहने वही चलते हैं। आज तो साढ़े पांच महीने बहने के रहते हैं और अब दूध दे रही है भाई साहब? अब दे रही है, अब दे रही है दूध। तो इसकी मामू का क्या रिकॉर्ड है बताएं थोड़ा? इन दोनों की माँ एक का है। अच्छा, इन दोनों की एक है। दूध था इसकी माँ नीचे जी, 22 लीटर जी। एक तो मैंने दे दी, गलती खा गया उसका, डेढ़ किलो घी था। अच्छा डेढ़ किलो, हाँ जी, काफी शानदार। तो एक बार यही रहने दो, एक बार यही रहने दो। तो भाई अब चार दांत या कैसे है? चार दांत होगी, अब चार दांत है और बिल्कुल छोटा सीन है। चार दांत है, चार दांत है, काफी शानदार। और नीचे की जो ऑर्डर क्वालिटी है भाई वो भी बहुत शानदार। ये देखो बिल्कुल शानदार, ऊपर से नीचे काफी शानदार। तो ये नीचे कटड़ी है भाई इसके। तो इसका क्या कुछ सेल करने का विचार भाई साहब? तो एक बार जायद सा रेट और बता दो इसका। जी देखो ब्याने के बाद तो कुछ अलग होगा। बिल्कुल ब्याने के बाद कुछ अलग होता है, ड्राई पीरियड में कुछ अलग होता है, बताएं थोड़ा। अब इसका रेट तो 90,000 रूपए होना चाहिए। 90,000 रूपए बिल्कुल जायज रेट बताया सर ने। और अभी देखो ड्राई पीरियड में है, अभी 10 किलो दूध कितना दे रही है? अच्छा 6-6.5 किलो है। एक टाइम दे दे, दो टाइम दे दे, एक टाइम दे रही है। तो 90,000 रूपए सर ने बताया है, बिल्कुल जायज रेट भाई। ऊंचाई लंबाई मैं कहूंगा जबरदस्त है, अगर आप रियलिटी में झोटी के देखोगे। वीडियो में कुछ और दिखती है लेकिन काफी शानदार, तो बहुत जबरदस्त। सर का एक बार फिर से आपको नंबर रिपीट करवा देता हूँ और बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। आम पशुपालक के घर जाता हूँ ताकि एक क्रेज बने, ताकि अच्छा जो मुर्रा का एक मार्केट चल रही है उसमें दिन दोगुना और रात चौगुनी उन्नति हो। तो भाई साहब एक बार इधर आ जाओ, आप दोनों भाइयों से थोड़ी वार्तालाप करनी है। ये देखिए सर का यहाँ पर, आप बताएं सर सबसे पहले एक बार जो ये हीरा वाली है, आपने इसमें क्या सोच के मतलब सीमन रखवा था बताएं थोड़ा एक बार। भाई मैं सिंह हुआ गाँव में प्रदर्शनी लगी थी, वहाँ गया था जी एक पशु लेके जी। तो वहाँ मैंने वो हीरा जोटा देखा और वहाँ उसकी प्रशंसा सुनी, बोला भाई इसकी माँ नीचे 29 किलो दूध 25 लाख की बिक्री हुई जी जी। और वो आंध्र जाके 32 किलो में फर्स्ट आई है जी जी, पूरा एरिया में मतलब एशिया में, एशिया में जी। तो इसलिए हमने वो रखवाया जी जी। आप माँ भाई हम भी एक पशु उसका पाल के देख जी जी, बहुत शानदार, इसलिए हमने वो रखवाया था। लेकिन हमने जिस उम्मीद से रखवाया उसी उम्मीद से हमारे पशु निकल रहे, बिल्कुल रिजल्ट भी मिला है। हाँ। तो आप दोनों भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, दो शब्द बताएं जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं कि क्यों पशुपालन रखना चाहिए। मतलब सिमन का तो ठीक है, पशु तो सभी रखते हैं, कई भाई कहते हैं कि बस दूध पिया या फिर उसे सेल कर दो, मतलब ज्यादा दुधारू पशु नहीं रखते, तो क्यों नहीं रखते? और कोई जो सवाल उठता है कि अगर पशु सिमन का है जैसे आपने हीरा का रखवा रखा है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है या कैसे बताएं? एक्स्ट्रा मेहनत ये है, दूध पिलाएंगे तो एक्स्ट्रा साइज बनेगा जी जी, उसकी देख रेख जी जी 15 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद हर समय उसको संभालते रहो जी। लिया और कार्डू दे दिया उसने पाया, फिर दूध पिला दिया तो वो कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात। किसी सिमन का रखवा लो आप जी जी, उसको कम से कम खड़का एक टाइम का 2 किलो दूध चाहिए जी जी, ठीक है। और दिन में 1-1.5 किलो उसको लासी भी चाहिए जी जी, सही। और 1 साल के बाद में उसको प्रॉपर बाखर चाहिए, प्रॉपर बाखर चाहिए, डाइट मिलेगी तो अच्छा दूध निकालेगा और बेचना चाहेगा तो पैसा भी बढ़िया देगा। हम जितना मान लिया पशु को ऊपर 50,000 का खर्चा आया ब्याने तक जी, तो वो हमारा पशु कम से कम 1.5 लाख रुपए का तो जाएगा ही, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारा नाम करेगा वो अलग से, बिल्कुल सही बात है। और जो ये नॉर्मल पशु हम नॉर्मल पालते हैं ये तो आम घर में बंधे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल आम घर। उनसे अगर हम 50,000 खिलाते हैं और 80,000 की उम्मीद रखते हैं, जरूरी नहीं हमारा 40,000 का भी रह जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। ये सारा खाना खुराक पे और जो अच्छे किस्म का सिमन रखवाने का नतीजा है ये जी जी, वही बात है, जैसा बोगे वैसा कटोगे। हाँ जी हाँ जी जी, सही बात। और हम तो अपना यूं समझो एक शौक है जी जी, और शौक का कोई मोल नहीं होता, बिल्कुल सही बात बताई सर ने, शौक का कोई मोल नहीं है। लेकिन अच्छा पशुपालन करे हैं बहुत शानदार। हमारा पशु जिस दिन भी बाखर पे आ जाता है ना जी, उसी दिन से मुंह छोड़ बाखर खाता है जी जी, सही तब तक हमारे घर पे नाट रहा हो कि वो दूध देता। अच्छा अच्छा, तो खिलाना बाखर प्रॉपर खाएगा जी जी, तो फायदा है इस काम में, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने डांगर पालन का शौक है। एक पहलवान तैयार करने में माँ बाप की उम्र निकल जाती है, बिल्कुल सर। लेकिन जब पहलवान रिजल्ट देता है ना जी, तो बहुत अच्छा देता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई आपने।
सही, वही सोच के हम अपने पशु पालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा पशुपालन करते रहिए। और जब ऐसे ये पशुपालन कर रहे हैं तो इनके जो पड़ोसी हैं, इनके गांव वाले हैं, उनको मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत तो जागरूकता होती होगी सर। बिल्कुल, क्या कहना है इस बारे में बताएं भाई, जो गांव वाले आपको देखकर थोड़ा बहुत तो मतलब हमारे पशु देख के जाते हैं ना जी, तो अगर वे करते नहीं तो उनको मलमलाट जरूर होता है। हाँ हाँ। अगर उनके खूटे पैसा बन रहा है, पता नहीं क्या खिलाते हैं। हाँ हाँ, क्या पिलाते हैं सर। हम उनको बैठा के ये भी बताते हैं भाई, एक डेढ़ महीने का कार्ड हो जाता है उसको लासी हड़म जी जी का वो बना के उसको देते हैं जी जी। उसका पेट का हम गोली नहीं देते, जो कीड़े होती है। अच्छा अच्छा, वो हड़म से ही उसकी पेट की सफाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी सर्दी जी छोटा कार्डू हड़म पिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ये हड़म वाला जो आपने एक डिजिट लिया है, इसका बताएं थोड़ा क्या कुछ प्रक्रिया रहती है। हड़म एक राइबर का राई, तो इसमें क्या कुछ चीजें होती है बताएं। पंसारी का मिल जाता है, इसमें खट्टी खट्टा टेस्ट होता है। अच्छा अच्छा। और अपनी जो सरसों होती है, इससे बारीक दाना होता है इसका जी। इसको मिक्सी में पीस लो जी जी। और जैसे एक किलो राई ले ली, एक किलो मेथी ले लो जी, एक सर्दी है तो एक किलो बाजरा ले लो। हड़म जी जी, एक किलो बाजरा ले लो। तीनों चीजों का मिक्स करके टेस्ट वाला उसमें काला नमक मिला दो। अच्छा अच्छा। जैसे एक महीने का कार्डू है तो उसको दो चम्मच जी, खाना खाने वाली दो चम्मच एक किलो लासी में भे के आधा घंटा रख दो, वो दलिया टाइप बन जाएगा जी जी, गुड़ के जी। फिर उसको ऐसे पी लेता है ठीक है, नहीं नलवा से पिला दो जी जी। सही, फिर उसका रिजल्ट देखो आप, उसकी पेट की सफाई भी करेगा और ताकत भी लाएगा उसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हम दूध पिलाते हैं ना जी, उसकी टक्कर का ही वो ताकत लाएगा। अच्छा अच्छा, तो बहुत शानदार फल देगा जी जी, रंग भी अच्छा लाएगा जी जी, और उसकी चेहरे पर चमक भी लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कलर भी बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहुत शानदार देसी नुस्खा बताया सर ने। और दोनों भाई हैं, लकड़ी का काम करते हैं, अच्छा पशुपालन करते हैं, तभी जाकर एक अच्छा मतलब जीवन शैली जी रहे हैं। बहुत शानदार। तो ठीक है भाइयों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कवर करवाने के लिए, और आपको शुभकामनाएं, आपका जो पशुधन है वो और अच्छी उन्नति करे। ठीक है भाइयों, नमस्कार। साथियों बताना जरूर कैसी लगी वीडियो, और एक ही उम्मीद है, अगर ये ऐसी ऐसी वीडियो देखकर आप मोटिवेट होते हैं तभी जाकर आप एक अच्छा पशुधन अपने घर में बांध सकते हैं, या उसका दूध उत्पादन कर एक अच्छा नाम कमा सकते हैं। ठीक है भाइयों, नमस्कार सभी साथियों को, राम राम, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।